धमतरी जिले के विकासखंड मगर लोड के ग्राम पंचायत राकाडीह में भगवान राम के अपने वनवास का कुछ समय मधुबन धाम में बिताया था। छत्तीसगढ़ में वे जहां रुके और जहां से गुजरे, प्रदेश सरकार ने उन सभी स्थलों को राम वन गमन पर्यटन परिपथ के नाम से विकसित करने का निर्णय लिया है। मधुबन धाम में पेयजल सुविधा के लिए बड़ी पानी की टंकी, तालाब का सौंदर्यकरण, उद्यान एवं गार्डन का विकास, श्री रामचरित मानस का लेख हेतु श्री राम दीवार का निर्माण, यात्रियों के ठहरने के लिए भवन, अंडरग्राउंड नाली निर्माण, नील नदी में स्टॉप डैम का निर्माण शामिल है, जिसकी रूपरेखा बनाने के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव आरपी मंडल मधुबन धाम पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान राम जानकी की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की और फिर जिला अधिकारियों से चर्चा की और पर्यटन विभाग को 10 दिन के भीतर इस पर विस्तृत कार्य योजना बनाकर देने का निर्देश दिया है। करीब 75 जगह का उल्लेख है जो शोध किया गया है और 51 जगहों में उसने जो है परिपथ में जगह है उसे डेवलप करने के बाद उसने प्रथम तौर पर 9 जगह टाइप किया गया जहाँ पर जो है पर्यटन परिपथ वहाँ पर जो है डेवलप किया जाएगा।